हो गया। हम लोग श्री गोवर्धन परिक्रमा करते करते जहाँ पर उपस्थित हुए हैं ये कुसुम सरोवर है। कुसुम सरोवर मतलब है जहाँ पर तरह तरह का या फूल खिलता था, बेली, चमेली, जूई, केतकी, मालती, और जहाँ पर श्रीमती राधा रानी आ करके यहीं से पुष्पों को संग्रह करते हुए और सुंदर सुंदर माला बना करके कृष्ण को गले में पहनाया करते थे, इसलिए इस स्थान का नाम कुसुम सरोवर। यहीं से ही कृष्णा गोचारण करते करते आते थे, सखाओं के साथ में बहाना बनाते थे। आज मेरे कहीं एक विशेष निमंत्रण है और वो निमंत्रण की बहाना बना करके यहीं से कृष्ण चले जाते थे, सूर्य कुंड में चले जाते थे और वहाँ पर सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे। यही स्थान है जहाँ पर श्री उद्धव जी महिषियों को ये श्रीमद्भागवत कथा श्रवण कराया था, इसलिए पहला जो कथा है यहीं पर कथा हुई। आज इस कथा की प्रभाव से जो महिषिया कृष्ण विरह में बड़ी दुखी थी, श्रीमद्भागवत कथा से यहीं से ही कृष्ण भागवत कथा से ही प्रकट हुए और उन्होंने ब्रज महिषियों के साथ में, ब्रजवासियों के साथ में यहीं पर मिले और श्री उद्धव जी और श्री बज्रनाभ परीक्षित महाराज सबके सब यहीं पर भगवान का दर्शन प्राप्त किया और यहीं से ही हैं, यहीं से ही सबके सब महीं से प्रसन्न होकर गए। इसलिए इस स्थली बड़ा मनोरम स्थली है, आप लोग सबके सब दर्शन करो। ये स्थान का नाम कुसुम सरोवर एकादशी। आज की जो एकादशी है ये मोहिनी एकादशी है, कहते आज का जो एकादशी त्रिस्पर्शा मतलब जिसमें दशमी भी है, जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों जिसमें ये मिला हुआ है, इसलिए कहते ये एकादशी का विशेष महत्व है। कहते इसी एकादशी श्री अम्बरीश महाराज करते थे, जिस अम्बरीश महाराज की महिमा को जगत में बढ़ाने के लिए जहाँ पर श्री दुर्वासा ऋषि आए और पारण के लिए उनको निमंत्रण दिया और उन्होंने भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए उन्होंने जानबूझकर लेट की, और जब इन्होंने ब्राह्मणों का परामर्श से थोड़ी सी जब उन्होंने व्रत को खोले तब दुर्वासा जी को क्रोध आया और जटा उखाड़ करके उन्होंने कृत्या प्रकट की और उनको मारने के लिए भेजा, और कृत्या को मारते हुए सुदर्शन चक्र इनको ब्रह्मलोक, शिवलोक, यहाँ तक भी विष्णु लोक तक उनको खदेड़ते हुए ले गए। लेकिन वहाँ पर भी उनको भगवान ने भी स्वयं नहीं रखा कि भले प्यार में कांटा चुभ जाए तो सर में नहीं, वो प्यार से ही निकलता है, इसलिए तुमको अम्बरीश के चरण में जाकर माफ़ी मांगना पड़ेगा। इसलिए लास्ट में उनको आकर के अम्बरीश महाराज के चरण में माफ़ी मांगना पड़ा। इसलिए इसी यही एकादशी सत्ययुग में, इसी एकादशी में ही ये सब लीला हुई थी, इसलिए आज का जो एकादशी इसका विशेष महत्व है। इसलिए आप लोग सबके सब एकादशी व्रत करो और कोशिश करना आज जितने से जितने ज़्यादा हो सकता है भगवान का नाम करने के लिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार है। इसलिए बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्री कुसुम सरोवर की जय। हरे कृष्ण। अगले स्थान पर हम फिर से लाइव करेंगे। हरे कृष्ण।